नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम तलवार इंसेक्टिसाइड के बारे में चर्चा करेंगे। इसका छिड़काव कौन कौन सी फसल में करना चाहिए, कौन कौन से कीट को नष्ट करता है, इसका डोज क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल बटन को दबा दें, बगल की बेल आइकन घंटी भी बजा दें, जिससे ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर शुरू करते हैं तलवार कीटनाशक, जो नए ज़माने का कीटनाशक है, जो कि फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, जो कि एक साथ कई प्रकार के कीट को कंट्रोल करता है। बात करते हैं इसके टेक्निकल की, तो इसमें जो टेक्निकल है वो थाइमेथोक्साम 25% WG फॉर्म में चलता है। इसका उपयोग पंप स्प्रे के साथ आप बीज उपचार के साथ भी कर सकते हैं। फसल में इसका छिड़काव करने के तुरंत बाद ही परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तलवार कीटनाशक पर्यावरण के लिए सुरक्षित प्रोडक्ट है। बात करें कौन कौन सी फसल में इसका छिड़काव करना चाहिए, तो सभी प्रकार के फसलों में जिसमें रस चूसक कीटों की समस्या ज़्यादा आती है, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कद्दू, लौकी, टमाटर, मिर्च, उड़द, मक्का आदि प्रकार के फसल में कर सकते हैं। बात करते हैं ये कौन कौन से कीट को कंट्रोल करता है, तो मुख्य रूप से एफिड, बग्स, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, सुंडी, रस चूसक कीट इत्यादि। बात करें इसके डोज की, तो 10 ग्राम प्रति पंप इसका छिड़काव करना चाहिए। वहीं 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव 200 लीटर पानी के साथ कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो 15 से 20 दिन तक इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी पैकिंग साइज़ की बात करें तो बाज़ार में पैकिंग साइज 5 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी के पैक में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। मैं अमित चौरसिया एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल से आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।